जब मेरी सास और नंद आती है ना मेरी यहाँ, मैं क्या करती हूँ, अपना फोन रिकॉर्डिंग पे लगा के छोड़ देती हूँ और ड्रामा करके पड़ जाती हूँ कि मैं तो सो गई। फिर जैसे ही जाती हैं सारी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ कि कुलिया में क्या क्या गुड़ फोड़ के गई हैं दोनों की दोनों। और दूसरी तरफ नसीर, वो तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसे अकल आ गई, पर वो तो चला था क्लिनिक कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अच्छा एक बात सुने मेरी ध्यान से, जैसे ही अब्बू घर आए ना, मौका देख के ये मकान और दुकान अपने नाम लिखवा लीजिएगा। तुम पागल हो या बनती हो? उसको तो अम्मी से कह रही थी कि वासिफ की नौकरी का दुख अब्बा को लेके बैठ गया है, अब्बा को मजीद दुख नहीं दे सकता, समझ गई हो? क्या हुआ वहीद, अब तो उनके घर भी आ गए, आप क्यों परेशान हो? अबू ने नसीर भाई से वकील को बुलवाया, कहीं अब वही फैसला तो नहीं करने वाले जो अजरा भाभी चाहती है। क्या मतलब? अजरा भाभी भी तो यही चाहती है ना कि इस घर को बेच दिया जाए और सबको हिस्सा दे दे। क्या वो घर बेच देंगे? तो अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, हाँ निकल, कभी भी किसी भी भाई को अलग नहीं होने देंगे। वलीद अपने नाखून तो खाना बंद करो। अच्छा तुम जाओ घर से बाहर जाओ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो ताकि तुम्हारा ध्यान कहीं और लगे। तुम टेंशन थे ऐसे लग रहे हो जैसे सारे डिसीजन तुमने लेने, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अल्लाह पे छोड़ दो। बोलो क्या कह रही थे? शुक्र है कि अबू खैरियत से घर वापस आ गए। असम से मैं तो पूरी रात दुआएं करती रही, तहज्जुद पढ़ती रही, मैंने कहा अल्लाह मियां मैं दोबारा यतीम होना नहीं चाहती, मेरे अबू को जल्दी से ठीक कर दे। और देखा तुमने कैसी मेरी दुआएं लगी हैं, हैं? पता है जब मैं छोटी थी ना तो बचपन में मोहल्ले की सारी औरतें ना मेरे घर आती थी मुझसे दुआएं कराने के लिए। मेरी दुआ ना यूं यूं फटाफट पूरी होती है, अरे मरता हुआ आदमी भी खड़ा हो जाता है। हाँ तो अपने रिश्ते के लिए भी दुआएं कर लेती ना, हाँ मखाई मेरे गले पड़ गई। ये देखो बजाय इसके कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो कि अजरा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी दुआओं की वजह से, नमाजों की वजह से, तहज्जुद की वजह से हमारे अब्बा ठीक होके घर आ गए, तुम मुझे ताना दे रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दुआएं की, अब मुझे थोड़ी देर सुकून से सोने दे दो, समझ गए? हाँ सो जाओ तुम लंबी तान के, सोने दो सोने दो। और जरा मुझे ये तो बताओ ये एक दिन का कितना बिल बनाया अस्पताल का, है कितना लंबा चौड़ा बिल बनाया उन्होंने? 90,000। 90,000? हाय तो वो इतना लंबा चौड़ा बिल, अरे छोटा सा हार्ट अटैक था, क्या जरूरत थी इतने बड़े अस्पताल में ले जाने की, किसी सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, अरे लोग जाते तो है सरकारी अस्पतालों में भी। अजरा बाहर दीवार है ना, हाँ? उधर जाके दीवारों से पूरी रात बातें करती रहो, मुझे सोने दो, थका हूँ मैं, सोने दो मुझे। सो जाओ, तुम्हारा तो बस यही काम है सोना और घूमना।
ए 90,000, ए मेरे कितने सारे सूट आ जाते 90,000 में तो। सोने दो भाई, सोने दो। वासिफ, मुझे दे दो, मैं इस्त्री कर देती। लाओ। जी भाभी। वो तुमसे कुछ बात करनी है। आ जाओ अंदर। यहाँ नहीं, अकेले में बात करनी। आजा। ऐसी कौन सी बात है जो अकेले में करनी है हमें? तो इस टिकट को सुन के आ। जी भाभी। मैडम। ₹30,000 दो। किस बात के? भाई तुम्हारे अब्बू के हॉस्पिटल का बिल बना है ₹90,000। तो 30,000 नसीर देगा, 30,000 जमाल के हिस्से में है और 30,000 तुम दो। इन जमाल पे तो कोई ऐसी बात नहीं की मुझसे। मैं जो कर रही हूँ। जमाल भी ने कहा आपसे बात करने? हाँ, जमाल ने ही कहा है। तुम अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानते हो। वो इतने खुददार हैं कि कभी अपने मुंह से तुम्हें बोलेंगे नहीं, और तुम इतने बेहिस हो कि तुम्हें खुद से कभी तौफीक होगी नहीं कि भाई से कह दो कि भाई जो खर्चा आया है मिलजुल के कर लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा है तुमसे बात करने के लिए। जाहिर है तुम्हारे अब्बू है वो, तो तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। ये सिर्फ जमाल ने ही ठेका उठाया हुआ है सबका। ठीक है, मैं जमाल भाई से बात करूंगा। जमाल से बात करने की जरूरत नहीं है। उनसे बात करने का मतलब ये है कि तुम पैसे देना नहीं चाहते, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि जमाल तुम्हारे हाथ से एक रुपया भी नहीं लेंगे। मैं कह रही हूँ ना कि उन्होंने मुझसे कहा है, तो अब तुम खामोशी से मेरे हाथ पे ₹30,000 रख देना, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पता चला तुम ढंडोरा पीटते फिरो। समझ गए? क्या कह रही थी? कुछ नहीं। सुन लिया है मैंने, कोई जरूरत नहीं है उन्हें पैसे देने की। ये खुद इतना अजीब लगा उनके इस तरह से पैसे मांगना। मगर मगर क्या? उन्होंने पैसे ना दिए तो फिर घर में लड़ाई झगड़ा करेंगी। आसिफ, तुम्हारे अब्बू इस घर में अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। उन्होंने तो कभी मुतालबा नहीं किया कि मुझे कोई पैसे चाहिए या कोई भी चीज और चाहिए। तो फिर ये कौन होती है पैसे मांगने वाली? फर्क मैं मानता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता घर में किसी किस्म का भी लड़ाई झगड़ा हो। और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। तो मतलब लड़ाई अवॉइड करने के लिए वो जो भी मुतालबात करेंगे हम सब मानते जाएंगे। चाहिए भाई, इसलिए कर लेते। नाते मानते रहे बस। ऐसे ही कर देते। अजरा, अजरा जी, मैं जरा शनाज की तरफ जा रही हूँ कमेटी का हिसाब करने। तुम्हारे अब्बू अगर आवाज दे तो सुन लेना। अस्मा कहाँ है? नसीर लेकर गया है उसे क्लिनिक तक। अच्छा, नसीर उसे डॉक्टर के पास ले गया? हाँ, नसीर ले गया उसे डॉक्टर के पास।
अच्छा वो अब्बू ने वकील को बुलवाया था ना, तो आया नहीं? अजरा, वकील ने जब आना होगा वो आ जाएगा, तुम खामखा अपने आप को हलकान मत कर। मैं क्यों हलकान होने लगी? मैं तो तुम सबको हलकान करूंगी, देखते जाओ बस तुम लोग। बड़ी भी यार, वासिफ तो यही कह रहा था कि अजरा भाभी को अगर पैसे नहीं दिए ना तो वो बहुत लड़ाई करेंगी घर में। यार मैं तो यही कहूंगी कि वासिफ को समझाओ और अलग हो जाओ, कि तुम्हारी जेठानी इसी तरह सारे घर वालों को नचाती रहेगी। हाँ यार तुम कह तो ठीक रही हो। अब देखो मैं मौका देखकर ही बात करूंगी, अभी तो वैसे भी घर वाले बहुत परेशान है अब्बू को लेकर। बस सबको यही है कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे अब्बू को दोबारा हार्ट अटैक हो जाए। यार तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। बस तुम दुआ करना यार, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अरे आ गए तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, ठीक हो? नहीं जी, मैं कपड़े बदल कर आती। हाँ क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, सब खैरियत है भाभी। चलो शुक्र है, वरना मैं तो समझी थी कि तुम पिछली बार की तरह इस बार भी अबॉर्शन करा दोगे। कपड़े निकाल दूं आपके लिए? मैं तुमसे कहा था कि तुमने किसी को नहीं बताना, तो फिर तुमने क्यों बताया? क्या बताया? ये बात तो मैं रोशन कराने लेकर गया था। कभी किसने कहा है आपसे? पहले तुम बताओ तुमने किस किस से कहा है। नहीं नहीं मैंने किसी को नहीं कहा। जम जम जमचंद, मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए, अपनी बच्ची के लिए, अम्मी अब्बू के लिए, इस घर के लिए, तब तक तुम मुझे डिसअपॉइंट करती हो, मुझे धोखा देती हो। समझ जाता है मैं, लेकिन फिर तुम कुछ ऐसा कर देती हो। क्यों? अब नहीं, अब दोबारा नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम निकल जाओ मेरे कमरे से अभी इसी वक्त, निकलो मेरी जिंदगी से। चलो चलो निकले, हमें निकलो निकले। अब्बू 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 जल्दी चले नीचे, जल्दी चले, वो नसीर नसीर आसमान को मार रहा है, लाश की आंखों में खून उतर रहा है, उसको जान से ही मारने का, आज घर से बाहर निकाल रहे हैं, जल्दी करें ना, आप भी तो जल्दी करें, पता नहीं इसको क्या हो गया है। नसीर बहुत जोर जोर से मार रहा है, क्या करता है कम्बा, जल्दी जल्दी अब्बू जल्दी चले। नहीं यार बाबू, पहुंच जाओ यहां से, रुक जाए ना तेरे, चल जाओ, मुझे डेढ़ रुक जाए थी कि कुछ नहीं, जल्दी रुकूंगा मैं, आज तो मैं अंदर से क्या कर रहा हूं ये, चलो और अब कभी वापस पलट कर नहीं आऊंगा मैं इस घर में। अरे
हाँ बेटा डॉ नहीं होती बेटा शाबाश। ये कोफ्ते तो लाजवाब है। ये सब्जी भी लाजवाब है। टेस्ट कर लो। जबरदस्त यार, तो बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। वासिफ वो नसीब भाई घर छोड़कर चले गए। क्या? हाँ वो अब्बू ने उन्हें घर से निकाल दिया। ये तुम क्या कह रही हो और कब? अरे मैं ठीक कह रही हूँ, अब्बू और नसीब भाई की अभी लड़ाई हुई थी और वो उनको घर से निकाल दिया उन्होंने। अम्मी कहाँ है? अम्मी नहीं है घर पर। जमाल भाई वलीद कोई तो होगा ना? अरे कोई भी नहीं है, इसीलिए तो मैं कॉल करके बता रही हूँ, सिर्फ मैं हूँ और अजरा भाभी हैं। अच्छा मैं जमाल भी को फोन करता हूँ। हाँ चलो। क्या हो गया वासिफ, सब खैरियत है? यार एक दिन सुकून नहीं मेरे घर में, एक दिन, हर वक्त लड़ाई झगड़े। अब किसकी हो गई? यार मैं जमाल भाई को फोन कर लूं पहले। हेलो। हाँ वासिफ। जमाल भाई नसीर भाई आपके साथ है आज दुकान पे? नहीं, कह रहा था कि असमा को डॉक्टर के पास लेके जाना है, वही गया होगा। जमाल भाई आप फौरन घर पहुंचे, अब्बू और नसीर भाई की लड़ाई हो गई है और नसीर भाई घर छोड़ के चले गए हैं। क्या जी? मुझे फरहत की कॉल आई थी अभी, आप फौरन जाके देखें कि क्या सूरत हाल है, कहीं अबू की तबीयत ना खराब हो जाए। ठीक है यार, अल्लाह हाफिज। अशफाक, अशफाक दुकान देखना यार, मैं घर से आता हूं। कहा जा सकते हैं नसीर भाई? यार एक तो उनका गुस्सा भी ना, और अबू से कौन लड़ता है यार। नसीर भाई कर सकते हैं, किसी दोस्त वोस्त का नंबर है यार, ना वो हमसे बात करते हैं ना वो घर पे रहते हैं कभी, हमें क्या पता होगा उनके दोस्त वोस्त का। यार आ जाएंगे यार, खुद घर आ जाएंगे, टेंशन नहीं लो। एक तुम का गुस्सा, समझ से पहले मेरे। तुम तो कह रही हो कि वापिस आने तक वो बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल ठीक थे, रास्ते में से सेब भी दिलाए थे कि घर जाकर खा लेना। तो फिर घर आके क्या हुआ, वो खास बात हुई क्या? कोई बात नहीं हुई अम्मी, मैं अंदर आई हूँ, अजरा भाभी से मिलकर सीधा कमरे में चली गई, पीछे से आए वो और चिल्लाना शुरू कर दिया। समन बेटा तुम असमा को इसके कमरे में ले जाओ। असमा जाओ बेटा, फिक्र की बात नहीं है, जाओ जाओ शाम, सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगा घर। देखा तुमने, जरा देर के लिए मैं घर से बाहर निकली हूं और ये सब हुआ है। राजी आप माने ना माने, ये तेली अजरा की ही लगाई हुई, उसी की वजह से नसीर का दिमाग घूमा होगा। लेकिन अजरा को ये बात पता कैसे चली? जमाल के मुंह से निकल गया होगा। हर किसी हो ही नहीं सकता, जमाल ऐसी गलती नहीं कर सकता। चले बाजी, अब जो होना था सो हो चुका। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि जमाल से कहें कि अजरा को लेकर ना इस घर से अलग हो जाए। हाँ वो जब तक इस घर में रहेगी ना, इस घर में सुकून हो ही नहीं सकता। अब देखिए ना उसे क्या जरूरत है सदीकी भाई को जाके बताने की,
उसे नहीं पता कि अभी अभी हार्ट अटैक आया उन्हें। अब हम चांद पर थोड़ी पहुंच गए थे कि रابطہ नहीं हो सकता। अरे रुकैया के घर में थे, फोन करके बुला लेती आपको। पता है, सब पता है शहनाज उसे, मगर उसका पस्त नहीं चलता कि हम कल के मरते आज मर जाए। वो तो इंतजार में बैठी है कि वकील कब आएगा। हाँ तो बस ठीक है ना, उसका हिस्सा दे दिला के ना चलता करे उसे यहाँ से। जमाल को अगर उसका हिस्सा दे दिया, तुम्हारे भाई का दिल टूट जाएगा। बड़ा बेटा चला गया तो छोटे भाई भी अपना अपना हिस्सा मांगेंगे और अलग होना चाहेंगे। नहीं शना, मैं इस घर को इस तरह से टूटता हुआ नहीं देख सकती। बाजी कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा ना। मगर ये फैसला नहीं, तुम्हें जमाल को पैसे देने का ख्याल आ ही गया आखिर, है? वरना जमाल तो सबको बस एक ही वक्त याद आता है, जब कोई काम हो। अब्बा को हॉस्पिटल ले जाना है तो जमाल, नसीर को ढूंढना है तो जमाल, वलीद की पट्टी करानी है तो जमाल, गाड़ी चाहिए तो जमाल, बाइक चाहिए तो जमाल, पैसे चाहिए तो जमाल। जमाल ने तो कभी अपने बच्चों की फिक्र की ही नहीं। क्या हुआ, खैरियत है? ये एचआर ने इतना लंबा टाइम के लिए बुलाया था तुम्हें? बस कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे, आज शाम तक नई गाड़ी भी मिल जाएगी। अरे मुबारक हो, कंपनी में मेरे बाद है, गाड़ी मेरे से पहले ले रहे, माशाल्लाह। तो एक काम करो ना, तुम रख लो, जब तुम्हें मिल जाए तो मुझे वापस कर देना। अरे नहीं नहीं यार, तुम्हारी गाड़ी है, मेरी तो अभी बस आने वाली होगी, तुम घर वालों को लेके जाओ, इसमें घर वाले कितना खुश होंगे। मेरे तो घर का अलग ही माहौल चल रहा है, क्या बताऊं। बहरहाल ये बताया कि गाड़ी कौन सी दे रहे? कुछ भी नहीं बताया। अल्हम्दुलिल्लाह। पार्टी बनती है जरूर आज, बल्कि आज नहीं, आज तो फैमिली को लेके जाओ, वीकेंड पे। वीकेंड पे करते हैं, डन। नहीं तो फिर ईमेल आ जाएगी अचर वालों। तुमने अम्मी को फोन क्यों नहीं किया? पता है कि अब्बू की तबीयत खराब है, उनको कहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अब्बू की तबीयत खराब है, ये बात आपकी अम्मी को नहीं पता थी जो मोहल्ले में निकल गई बीसी का हिसाब करने के लिए? अम्मी काम से गई थी, सैर करने नहीं गई थी। हाँ तो मैं क्या करती भाई, वो नसीर अस्मा को खींच के घर से बाहर निकाल रहा था, रोड पे खड़ा कर देता, पूरा मोहल्ला तमाशा देखता, अब्बू को नहीं बुला रही ना तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ फिर क्या जरूरत आ जाती तुम्हारी और तुम्हारे बाप की मोहल्ले में है? मुझे तो उसको कुछ समझ ही नहीं आया, बजाय से कि मैं अम्मी को वहाँ बुलाने जाती जो घर पे था मैंने उसको बोल दिया। मैं तो समझी थी कि तुम्हारी अम्मी आएंगी और मुझे गले लगा के प्यार करेंगी, क्या जरा आज तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत बच गई। लेकिन नहीं भाई नहीं, उन्होंने तो उल्टा आकर मुझ पे शोर शराबा शुरू कर दिया, मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। तुम्हारे खानदान पे जो है ना इल्जाम कैसा भी गुनाह है। बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर और मेरे खानदान पे, अभी इस एहसान तले मैं दब के बेहोश ना हो जाऊं। हाँ तो बेहोश ही हो तुम, नशे आ रही है तुम पे, नजर क्या मारती तुमको। और ये अम्मा घर में होती ना तभी मैं तुम्हारे अब्बा को ही बताती। बहुत अच्छा किया जरा तूने, सही तमाशा लगा घर में, मजा आया। क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब हमारी मौजूदगी में नसीब का रवैया आसमा के साथ ऐसा है तो हमारे बात तो पता नहीं वो क्या करेगा। क्या मैं समझाऊंगी ना उसे, आप क्यों फिक्र करते हैं, और आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप थोड़ी देर आराम कर ले, परेशान ना हो। अरे कैसे परेशान ना हूँ, देखते उस कमबख्त को गुस्सा आता है
और फिर ये कि न जाने कहां गया होगा। मैं आपको बता रही हूँ ना, जमाल जा रहा है, उसे लेकर ही आएगा। नसीर के गुस्से का क्या है, एक मिनट में उसको गुस्सा आता है, दूसरे मिनट खत्म हो जाता है। अब आप आराम कर ले, आप आराम से लेट जा, तब ठीक हो जाएगा, आ जाएगा वो, आप फिक्र ना करें ना। राल से बात करना, बहुत मुश्किल से सो रही हूँ, मुस्तकिल रो रही थी। नसीर भाई ने भी तुझे कसर नहीं छोड़ी रुलाने में। तुमने उन्हें फोन किया? प्लीज उनसे पूछो तो कि वो कहाँ है। फोन बंद है उनका, वो यही करते हैं। जमाल भाई गए ढूंढने। ये तो वासिफ भाई भी बिल्कुल अलग हो गए ना, पहले जब कुछ ऐसा होता था तुम और वासिफ भाई फौरन निकल जाते थे उन्हें ढूंढने। शादी के बाद भाई भाई नहीं रहते, वो बस अपनी बीवियों के शोहर और अपने बच्चों के बाप बन जाते हैं। तुम्हें पता है वासिम भाई और मैं एक दूसरे के बगैर खाना तक नहीं खाते थे, और आज कई दिन गुजर जाते हैं हमारी बात तक नहीं होती। वाकई रिश्ते बदलते देर नहीं लगती। तुम जाओ, भाभी के पास बैठो। जमाल गया है देखने के लिए, दोस्तों के पास बैठा होगा, ले आएगा। खुद ही आ जाते हैं अम्मी, जमाल भी पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे उनको। जब तक नसीर नहीं आता ना, तुम्हारे अब्बू परेशान रहेंगे। गुस्से में उन्होंने कहना था कह दिया, लेकिन अब बहुत परेशान हो रहे हैं। अच्छा आप लोग फिक्र मत करें, मैं चेंज करके जाता हूँ उन्हें देखने। ये हमारे घर के बाहर गाड़ी किसकी खड़ी हुई है? मेरी है भाभी। है अम्मी, आज ऑफिस से नई गाड़ी मिली मुझे। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। आमीन। अच्छा अम्मी मैं चेंज कर गया था। हाँ जरा बोलो। हाँ मिला नसीर। मैं फारूक मामू की तरफ जाके देखता हूँ, शायद वहाँ हो। तुम बस इन्हीं झमेलों में फंसे रहना, तुम्हारे सारे भाई अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। पता नहीं है कुछ, वासिफ को गाड़ी मिली है ऑफिस से। अच्छा तो ये कि सब अपने अपने लिए सोच रहे हैं, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन तुम सिर्फ अपने भाइयों का सोचो बस। एक दिन याद रखना, ऐसा आएगा कि तुम्हारे सारे भाई ना अपनी अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे और तुम उनको सड़कों पर ढूंढते रह जाओगे। हाँ भाई गुलशन आ रहा,
ये तुम्हारा पीर तो कोई काम कर ही नहीं रहा है। अरे कुछ भी नहीं हो रहा है, दोनों मियां बीवी खूब तरक्की कर रहे हैं। अरे रहने दो रहने दो, तुम्हें पता भी है वासिफ को ऑफिस क्लर्क से गाड़ी मिल गई है। मुझे तो लगता है तुम्हारा पीर ना सिर्फ नजराने ऐंठने के लिए है बस। हाँ वासिफ, खैरियत? भाभी आपने पैसे मांगे थे ना, जमाल भाई को दे दीजिएगा। अरे वाह, तुम्हें जमाल को पैसे देने का ख्याल आ ही गया फिर है? वरना जमाल तो सबको बस एक ही वक्त याद आता है, जब कोई काम हो। अब्बा को हॉस्पिटल ले जाना है तो जमाल, नसीर को ढूंढना है तो जमाल, वलीद की पट्टी करानी है तो जमाल, गाड़ी चाहिए तो जमाल, बाइक चाहिए तो जमाल, पैसे चाहिए तो जमाल। जमाल ने तो कभी अपने बच्चों की फिक्र की ही नहीं, बस हर वक्त अपने भाइयों के लिए परेशान रहा। खैर अब तुम एक काम करो कि अपनी शादी का हिसाब किताब करो, जितने पैसे जमाल ने तुम्हारी शादी में लगाए हैं वो भी थोड़े थोड़े करके वापस करो, ठीक है? उसको साथ क्यों नहीं लेकर आए बेटा? अरे अम्मी मैंने कहा था लेकिन वो नहीं आ रहा ना। फर्रुख मामा को कहने के तुम घर जाओ, मैं कल उसे अपने साथ लेके आता। उसे भी बस फर्रुख का घर मिला था जाने के लिए। फर्रुख की बीवी जो है ना, उसके पेट में कोई बात टिकती नहीं है, अब सारे खानदान में घुमाएगी। हजार दफा समझाया है कि अपने घर की बात अपने घर में ही रहनी चाहिए। चले अम्मी, कम से कम इतना तो पता लग गया ना कहाँ पर है, कल आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र है। जमाल जिन, मैं तो उसे समझा के थक गया हूं। अब तुम कोशिश करो कि वो कम से कम अपना रवैया तो दुरुस्त कर ले अस्मा के साथ। ठीक है अबू, मैं बात करता हूं उससे। भाभी कहीं बाहर चलते हैं ना, इसी बहाने आप मेरी नई गाड़ी भी देख लेंगी। फिर किसी और दिन चलेंगे वासिफ, आज हिम्मत नहीं हो रही। चलिए शैतान को अपने साथ ले जाता हूँ, चलोगे ना चाचू के साथ? अब्बू मम्मी को छोड़ के चले गए तो क्या मैं भी उनको छोड़ के चला जाऊंगा? नहीं शाजे, अब्बू हमें छोड़कर नहीं गए, वो अभी किसी काम से गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। गाड़ी देखी वासिफ की? देखी, बहुत अच्छी। हाँ भाई, वासिफ का तो सब कुछ ही अच्छा है। वासिफ की गाड़ी भी अच्छी, वासिफ की नौकरी भी अच्छी, वासिफ के हालात भी अच्छे। एक खराब है ना तो बस अजरा की किस्मत खराब है, अजरा के नसीब खराब है और अजरा के हालात खराब है। यार तुम थकती नहीं हो, हर वक्त कोसने ताने, जलन, हसद, फसाद। अता भी है कि मैं कितना परेशान सुबह गया था, थक हार के वापस आया हूँ। बजाय दिलजोई करने के मुझे पूछो चाय पियोगे नहीं पियोगे, चाय बना दूँ, लेकिन तुम्हें बातें बनाने से फुर्सत मिले तो कुछ करो ना। ऐसी होती है बीवियाँ, ऐसे मर्दों की ऐसी बीवियाँ होती।
तुम जैसी बीवियों की वजह से ना मर्द खुदकुशी करते हैं, समझ गई? भाई गुस्सा खाने में के खुदकुशी ना कर लेना, ला रही हूँ चाय। चाय नहीं पूछा तो मर्द खुदकुशी कर लेते हैं। वासिफ चलो ना, हम दोनों ही बाहर से होकर आ जाते हैं। फरत मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, और मैंने वैसे भी असम भाभी के लिए बोला था। अब तुम्हारे मूड को क्या हुआ है, चलो ना थोड़ी देर के लिए चलते हैं। तुमने घर के हालात देखे, अबू की तबीयत सही नहीं है, नसीब भी अभी तक घर नहीं आए, और हम नई गाड़ी की खुशी में बाहर जाएंगे। अच्छा थोड़ी ही लगेगा। अच्छा सही है। अभी सो जाओ, बाद में जाएं। उठा दूंगी, रख दो फोन। तुम जाओ। तुमसे कहा था कि तुमने किसी को नहीं बताना, तो फिर तुमने क्यों बताया? जम जम मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए, अपनी बच्ची के लिए, अम्मी अम्मा के लिए, अंगारे लिए। पर जब तुम मुझे डिसअपॉइंट करती हो, मुझे धोखा देती हो, समझ जाता हूँ मैं, लेकिन फिर तुम कुछ ऐसा कर देती हो। वासिफ वासिफ क्या हो गया भाभी? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। क्या बात है भाभी? मैं पकड़ती हूँ, आराम से भाभी, भाभी आराम से बोलो, आराम से भाभी संभाल के।